अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ हैदराबादी मसाला चिकन, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर रेगुलर चिकन खा के आप बोर हो रहे हो तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मसाला चिकन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मसाले लेंगे, जिसमें एक चम्मच ज़ीरा और एक चम्मच धनिया है, चार सूखी हुई लाल मिर्चें और दो मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने। इसको इस तरह बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अब ये सूखे मसालों को जो है भून लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन, इसमें डाला है 1.5 से 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चिकन जो लेंगे बोन वाला लेंगे, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप दही। तो ये प्रोसेस जो है मैरिनेशन के लिए है। चिकन को मैरिनेट करना ज़रूरी होता है ताकि इसमें एक उसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को फ्राई कर लेंगे, फ्राई करके इसमें डाल देंगे। अब इसको भी जो है चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे इस चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करना 1.5 से 2 घंटे के लिए है। आप चाहे तो ज़्यादा टाइम के लिए भी कर सकते हैं या फिर उसको जस्ट आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके भी कुक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने मसाले भून लिए हैं। प्याज को कच्ची उसी तरह से डाल देंगे, इसका एक पेस्ट बना लेंगे और ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक भगोना लेंगे, इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच तेल। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे ये मसाले। तो मैंने यहाँ पर जो प्याज फ्राई की थी वही तेल का इस्तेमाल किया है। ये मसाले डाल के जो है इसको अच्छी तरह से भून लेना है। तो इसको 5 मिनट तक भूनना है ताकि ये जो ऑयल है सेपरेट हो जाए और ये जितना भी हमने पानी डाला है वो पूरा सूख जाए और मसाले अच्छी तरह से भून लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे मसाले भून चुके हैं, इसके बाद इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो मैंने यहाँ पे चिकन को 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। और डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। तो इसमें मसाले बहुत ही कम डलते हैं और कम टाइम में भी बनके तैयार हो जाता है ये चिकन की रेसिपी। इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाले जो है मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसको कवर करेंगे और कुक कर लेंगे 15 मिनट के लिए, ताकि ये चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए और मसाले भी पक जाएं। तो यहाँ पे ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। तो इस मसाला चिकन को बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो या फिर मसाले अगर दाग लगने लगे तो आप पानी यहाँ पे 1-2 चम्मच डाल के इसको पका सकते हैं। लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है, हाई फ्लेम नहीं करना है, वरना जो है चिकन दाग लग जाएगा। तो इसकी जो ग्रेवी होती है इसको ना ही ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा थिक रखना है। इसको मसाला चिकन जैसे होता है उसी फॉर्म में इसको रखना है। अब इसमें डालेंगे 3/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला डाल के इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और उसको जो है 5 से 10 मिनट के लिए फिर से कुक कर लेंगे। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं और ये जो मसाला चिकन है, हैदराबादी मसाला चिकन बन चुका है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनता है, आप भी इसको ट्राई करें। अब इसको निकाल के सर्व कर लेंगे गर्मा गर्म, रोटी के साथ कर लें या फिर चावल के साथ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ट्राई कर सकते हैं, नई रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एज़ यूजुअल मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।